नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 5 सालों से आपके सर पर या देवी अपनी कृपा बरसा रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर अब जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिलेंगी, दोस्तों आप भूल कर भी इन घटनाओं को भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप लाख कोशिश कर ले, दोस्तों ये दिन आप कभी भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस शक्ति के शुरुआत से आप सभी के जीवनकाल में अब सातों सुरों के सातों रंग आपके जीवनकाल में घुलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि देवी का शुभ आशीर्वाद आपके जीवनकाल में कुछ ऐसा होगा कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शुभ माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवनकाल में अब 4 चांद लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन 3 दिनों के अंदर आपको ये 4 बड़ी गलती भूल कर भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय की सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। जो भी आपकी चिंताएँ हैं वे सभी खत्म हो जाएंगी, और दोस्तों जो आपके मन की मुराद है दोस्तों वे सभी पूरे यह देवी आपके करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आप सभी के जीवनकाल में किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह देवी पिछले 5 सालों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको इनका भनक तक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ ईश्वर भले ही साक्षात ना हो, लेकिन छाया बनकर हमेशा साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुख हो चाहे सुख हो उनके साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आपके जीवनकाल में यह देवी वो बड़ा चमत्कार करने वाली है, वो बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बदल जाएगा। और जो लोग आपके दुख को देखना चाहते थे दोस्तों, यश में वो देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इतनी बड़ी तरक्की को प्राप्त करने वाले हैं कि दोस्तों उनके जीवनकाल में हड़कंप मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों, सुनकर घर और परिवार खुशी से उछल पड़ेगा। परंतु दोस्तों इन 4 बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी होगा, सबसे बड़ा दायित्व और कर्तव्य होगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता रानी का अशुभ आशीर्वाद यूं ही सदैव आप सभी के जीवनकाल में प्राप्त होगा। संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, संकट परिस्थिति में आपको रास्ता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन से 4 बातों का ध्यान रखना है ताकि यह देवी का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में सदैव रहे। और दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर आपको कहीं पर भी चलते समय 1 रुपए के सिक्के या फिर 5 रुपए के सिक्के, दोस्तों कोई भी सिक्के अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों उनमें आपको निराशा महसूस नहीं करनी है कि दोस्तों हमें तो 1 ही रुपया मिला, काश हमें 1 लाख मिल जाते, काश हमें 50 लाख मिल जाते। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वह 1 रुपए के सिक्के को आपको उठाकर अपने जेब में रख लेना है और दोस्तों घर ले आकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और उस पेशे को रखकर दोस्तों आपको उन्हें प्रणाम करके बोलना है, हे माँ लक्ष्मी आपने जो हमें दिया वे स्वीकार है हमें। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि दोस्तों वही पेश आपके बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। बशर्ते दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है और उस पेशे को जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, जहाँ आप पेशे रखते हो दोस्तों, वहीं पर उस पेशे को संभाल कर रखिएगा। दोस्तों वह पेशा नहीं आपके किस्मत का ताले का चाबी होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आप सभी के जीवन काल में आ सकता है जो आपसे कुछ रुपए की मांग करे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आपको बिल्कुल ही धुतकारना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पेशे हैं जितना आप देने में सक्षम हैं दोस्तों, उनका आप दान सच्चे मन से उन्हें कर दीजिएगा। और दोस्तों
घर आकर फिर से आपको माता रानी का यह बात समझना है कि माता रानी जो आपने हमें कहा उनमें हम सक्षम हुए और हमारी यह अर्जी कबूल कीजिए। हमारे जीवन काल के सारे कष्ट माता रानी हर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह माता रानी का परीक्षा का समय आपके जीवन काल में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन संकेतों को आपको भूल कर भी नज़रअंदाज नहीं करना है। और दोस्तों तीसरा जो संकेत है, आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे मौसम बनने वाले हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं जिनमें दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लग सकती है। दोस्तों जैसे कि आपने जिनको कर्ज दिए हैं दोस्तों वे आपको पेशा वापस ना करें, तो दोस्तों ऐसे समय में आपको क्रोधित नहीं होना है। बस दोस्तों वश में आपको उन्हें कुछ नहीं कहना है और दोस्तों घर आकर बस माता रानी से यही कहना है कि हे माता रानी, हमारे जीवन काल की समस्याएं तो आपकी है, बस अब इन पर आप अपनी ही नजर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में कुछ ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण होने वाले हैं जिनमें दोस्तों आपको ना ही क्रोधित होना है और दोस्तों ना ही कोई ऐसी परिस्थिति में आपको पीछे हटना है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे, जी हाँ दोस्तों सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से आप माता रानी को पुकारेंगे तो दोस्तों आपकी जीवन काल की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी जो उपाय है आप सभी के जीवन काल में, या फिर दोस्तों आखिरी जो संकेत है आप सभी के जीवन काल में, वो है कि दोस्तों अगर आपके घर में, अगर आपके आसपास में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि माता रानी आपके साथ है, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को ढेर सारी बधाई और खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों माता रानी का स्पर्श, माता रानी का दिव्य स्पर्श आपके पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो दोस्तों तुरंत ही आपको घर आना है और दोस्तों जहाँ भी अपने घर में देवी माता का चित्र है दोस्तों उनके सामने शीश झुकाकर माता रानी को प्रणाम करके अपने जीवन काल की उन समस्याओं को सुना दें जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी दे रही है, जो आपको बहुत ज्यादा आपको दुख दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन कार्यों को करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी माता रानी आपको देने वाली है, जी हाँ दोस्तों कौन कौन से बड़े चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे भी ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए घरों की साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक आपको अपने घर की साफ सफाई करना है, साथ ही नहा धोकर आपको मंदिर में भी दीप जलाना है। दोस्तों अगर आपके घर में मंदिर है तो दोस्तों घर में ही दीप जला सकते हैं। दोस्तों बाहर अगर है तो दोस्तों वहां पर आप दीप जला सकते हैं। दोस्तों इनसे माता रानी अपनी शक्ति आपको दिव्य स्पर्श के द्वारा प्रदान करेंगी, जिसके कारण दोस्तों आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके सारे बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के समय आप सभी के जीवन काल में सुख शांति से भरा समय रहेगा। घर में जो भी क्लेश चल रहे हैं दोस्तों वे सभी समाप्त होंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि 3 दिनों के अंदर आप अपने घर में शांति बनाकर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 3 दिनों के अंदर यह देवी का शक्ति आप सभी के जीवन काल में आपको दिव्य स्पर्श देने वाली है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने घर में शांति का माहौल बनाकर रखेंगे तो दोस्तों यह देवी का स्पर्श आप सभी के जीवन काल में आपको बहुत ही बड़ा शक्ति देगा, जिनके कारण दोस्तों आपका किस्मत चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में या देवी के आशीर्वाद से आप सभी का घर आनंद से परिपूर्ण रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में आपको कुछ चीजों को बिल्कुल ही नहीं खाना है, जैसे कि दोस्तों मांसाहारी चीज जैसे हैं उनका आपको सेवन नहीं करना है। क्यों दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि 5 सालों से यह देवी आपकी अगर रक्षा कर रही है और दोस्तों आने वाले 3 दिनों में कुछ ऐसे आपको संकेत मिल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको मांसाहारी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और दोस्तों ना ही अपने घर परिवार वालों को किसी को भी करने देना है। दोस्तों भूल कर भी ऐसे कार्य ना करें, इनसे दोस्तों आप शिव के जीवन काल में संकट घिर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आपको चीज आने वाले 3 दिनों के अंदर मिलते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो भी बड़ी सफलता हो, जो भी बड़ी कामयाबी हो,
दोस्तों उन्हें पाकर आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। कि दोस्तों आप शिवी को बता दें, अगर आपको माता रानी कुछ दे रही है, अगर उसके ही दीवे पर अगर आप घमंड करेंगे तो दोस्तों वह चीज आपके हाथों से जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं माता रानी ने यह बात कही है कि घमंड हमारा आहार है। जिनको हमने जो कुछ दिया है, अगर वह किसी और को यह दिखाकर घमंड करे तो दोस्तों वह चीज क्षण में उनके पास से दूर भी चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे, घमंड नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपनी भावनाओं को ऐसे में आपको अपने नियंत्रण में रखना होगा। क्यों दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने आने वाले क्रियाकलापों को किसी और के साथ शेयर भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्साह भरी जो भी जीवन की बातें होते हैं दोस्तों सभी को बताने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यह समय अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लेंगे तो दोस्तों इनसे भी माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल में प्राप्त होगा, खुशियों से घर परिपूर्ण होगा। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपका घर परिवार बहुत ही सुखमय जीवन में व्यतीत होगा। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि करियर को क्षेत्र को लेकर जो आपका 3 दिनों का समय होगा बहुत ही अच्छा समय होगा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े जो भी कार्य है इसमें सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं उनको इसमें अपने व्यापार में मुनाफा हो सकता है। जो भी लोग नया कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं दोस्तों, आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। बस कार्यों की जांच पड़ताल करें और आगे बढ़ें, ये समय आपके लिए बहुत ही शक्तिपूर्ण समय होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी समाप्त होगी, परंतु आपको अपने सेहत को लेकर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। जैसे कि दोस्तों दूसरे के लिए कुछ ऐसे वस्तु जिनसे आपका सेहत गड़बड़ हो सकता है, और दोस्तों अगर आप उनके कहे बातों को बड़ा अगर रखेंगे, उनके बातों को नहीं टालेंगे, और दोस्तों अगर आप उनका सेवन करेंगे तो फिर से आपके आर्थिक सेहत में तो दोस्तों आपके सेहत में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए दोस्तों जो आपके सेहत के लिए अच्छे हैं, जो चीज़ आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों उन्हीं का आपको सेवन करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ईश्वर के ऊपर थोड़ा सा आपको समय देना है। इनसे दोस्तों आपके जीवनकाल की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपकी मानसिक जो शांति है वह दोस्तों आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों मानसिक हेल्थ आपका इनसे बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि लव लाइफ के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी दोस्तों आपके मैत्रीपूर्ण के व्यक्ति हैं उन्हें अपने जीवनकाल में अच्छे मित्र मिल सकते हैं। साथ ही जो अपने जीवनकाल के लिए अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, उनको यश में कुछ ऐसे शुभ संकेत मिल सकते हैं जिनके कारण उनके लव की जो यात्रा है वह भी सफल हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि नए नए रिलेशनशिप में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ गहरे राज नहीं खोलना है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो बातें आपके लिए सही है उन्हीं बातों का आपको उनके सामने रखना है, अन्यथा दोस्तों फिर आगे चलकर मुसीबत भी आ सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास है। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो 3 दिनों का समय माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा सुखमय समय होगा, परंतु कुछ खास संकेत जो हमने आपको पहले बताए हैं दोस्तों उनका ध्यान तो आपको रखना ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शायद दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।